सो हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं फिर से एक नई सी वीडियो के साथ। कैसे हो यार, आई होप आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम भारत के ऐसे अजीबो गरीब राज्य के बारे में बताने वाले जिसका नाम है बिहार। बिहार की अजीबो गरीब दास्तान सुनने के लिए रेडी हो जाओ अपने शुभम फैक्ट के साथ। तो बस यार, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक ही बात बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। बिहार, बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि भारत का इकोनॉमी बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। बोलो अब कैसे? हाँ हाँ बताते हैं, रुको। ये बिहार राज्य जो है ना, वो उत्तर दिशा में स्थित है। इसकी सीमाएं झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और तो और अपने पड़ोसी देश नेपाल के सीमाओं पे स्थित है। ये राज्य इकोनॉमी बढ़ाने में इसलिए इतना ज्यादा मददगार है क्योंकि यहाँ पे भुखमरी का समस्या, इसलिए यहाँ पे जितने भी गरीब परिवार से जो भी बिलोंग करता है उस घर से, हर एक घर से कुछ कुछ मजदूर बाहर कमाने के लिए चला जाता है। यहाँ फैक्ट्री या फिर रोजगार का साधन ना मिलने के कारण वो बाहर कमाने के लिए जाता है। लेकिन इसका मुख्य रीजन यह है कि भारत में कहीं भी कुछ भी बन रहा हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वहाँ पे बिहारी आपको जरूर से जरूर मौजूद होगा। इसलिए यह राज्य भारत को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। बात करते हैं बिहार का एक मुख्य शहर जिसका नाम है पटना। ये बिहार का राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पे जैन मंदिर, राजगीर और नालंदा और तो और मुंगेर जिला के नाम से ये राज्य बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पे इस बीच 10 करोड़ की आबादी पाई जाती है। अब आप सभी के मन में ये चल रहा हो कि भाई 10 करोड़ की आबादी में भाई 7-3 लोगों का कैसे होता है? तो भैया आप टेंशन ना लो, हम बता देंगे यार, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने के बाद इतना कुछ निकाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लो, यहाँ का मुख्य भाषा संस्कृत और हिंदी है। यहाँ पे बोला तो कई प्रकार के भाषा जाता है, जैसे कि मैथिली, भोजपुरी और भी वगैरह वगैरह, लेकिन मुख्य भाषा हिंदी और संस्कृत ही है। तो भैया अब आपको बताते हैं यहाँ पे शादी इतना जल्दी कैसे होती है। दरअसल यहाँ पे महिलाओं की संख्या करीबन 68% है। ये हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 100 लड़के पे 109 लड़कियां हैं। अब आपका मन गार्डन जैसा हो रहा होगा कि भाई चलो अब बिहार चलते हैं, लेकिन आपको ये बात बता दे कि यहाँ पे इतना ज्यादा आबादी है कि यहाँ पे खाने के लिए तरसना पड़ता है, इसलिए यहाँ से सभी आदमियों को शहर जाना पड़ता है। और तो और यहाँ पे रोजगार मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि यहाँ पे 58% यंगस्टर जो कि 25 से ऊपर, वो सभी आपको शहर में ही मिलेगा, बिहार में आपको नजर ही नहीं आएगा, वो मजदूरी करते ही आपको किसी बाहर शहर में नजर आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राकृतिक द्वारा जो भी खनिज पदार्थ है वो कितना मात्रा में बिहार में अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले आपको ये बात बता दें, ये जो राज्य है पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा आगे है। और तो और यहाँ पे तीर्थ स्थल जैसे बहुत ही ज्यादा मंदिर वगैरह हर कुछ, यहाँ पे एक एक चीज का बहुत ही ज्यादा भयंकर साधन है। यहाँ पे बिहार राज्य के 100% भूमि में करीबन 18% में सिर्फ पूजा स्थल ही पूजा स्थल है। अब भैया आपको बताते हैं यहाँ पे प्राकृतिक द्वारा कितना कुछ है। अब आप सभी के मन में ये बात चल रहा होगी भाई फिर बिहार इतना भुखमरी में क्यों है? बताते हैं भैया, रुको जरा सबर करो यार। दरअसल भारत में जितने भी खनिज पदार्थ है उसमें करीबन 44% सिर्फ बिहार दे रहा है यार। चलो अब इन सब बातों को गोली मारो, अब बताते हैं यहाँ पे लोग भुखमरी में क्यों मर रहा है। दरअसल यहाँ पे खेती का समस्या बहुत है, क्योंकि 22% खेती, 5% कारखाना और बहुत कम मात्रों में सर्विस सेक्टर है, इसलिए बिहार राज्य इतना ज्यादा भुखमरी में जी रहा है अभी के टाइम पे। दरअसल आप सभी को एक और बात बता दे, करीबन 4% सब्जियां और 8% फल फूल ही सिर्फ बिहार दे पा रहा है भारत के इकोनॉमी के हिसाब से। अब लगे हाथ आपको ये बात भी जान लेना चाहिए कि बिहार में एक अलग ही सिनेमा चलता है जिसका नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री। कई राज्य में जैसे तेलुगु सिनेमा ये सब बॉलीवुड वगैरह चल रहा है, उसी तरीका से यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री चलाया जा रहा है। और अभी के टाइम पे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में इंटरनेट भी हो चुका है, जहाँ पे अब हर घर में एक मोबाइल तो जरूर ही मिल जाएगा, इसलिए अभी के समय पे बिहार बहुत ही ज्यादा विकसित हो पा रहा है। तो बस यही था कुछ बिहार का रोचक बात। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अदर लोगों को शेयर करना जो कि बिहार से। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।